तो ठीक हो ना आप सब। आज रियलमी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया रियलमी नार्जो 60X 5G। इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 4GB रैम प्लस 128GB रोम देखने को मिल जाता है और इसका प्राइस है 12,999 रुपये। तो इतने प्राइस में इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसमें आप गेमिंग वगैरह करोगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, यह सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। पहले मैं आप लोगों को इसके फ़ीचर्स बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.72 इंच का FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है। 680 निट्स का आप लोगों को पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका नाम है MediaTek Dimensity 6100 प्लस। और इसमें ना आप लोगों को गेमिंग वगैरह में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, मतलब कि आप लोड दे सकते हो। प्राइस के हिसाब से आप लोगों को इसमें ठीक चिपसेट देखने को मिल जाता है। LPDDR4X का आप लोगों को रैम देखने को मिल जाएगा और UFS 2.2 का स्टोरेज वेरियंट। आउट ऑफ द बॉक्स ये आप लोगों को Android 13 पर देखने को मिलेगा और Realme UI 4.0 पे बेस्ड होने वाला है। और इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिल जाएगा, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, Wi-Fi 6 और पीछे के साइड में आप लोगों को 50MP प्लस 2MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, 8MP का फ्रंट कैमरा, 5000mAh का बैटरी, 33W का चार्जर। तो अब बात कर लेते हैं कि इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहिए कि नहीं, इसे खरीदने से कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा क्या। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो ये रियलमी का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है और बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। अगर किसी और ब्रांड के मोबाइल से कंपेयर करें तो इसमें आप लोगों को फीचर्स थोड़े बहुत कम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन रियलमी का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन यही है और इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें आप लोगों को प्रोसेसर जो मिलता है ना वो बहुत अच्छा दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत वगैरह होगा नहीं। 4GB रैम 128GB रोम भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है और वर्चुअल रैम भी मिलता है, तो आप बढ़ा भी सकते हो लेकिन वो उतना काम नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि अगर आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो यार, बहुत मस्त स्मार्टफोन है।